अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अमारा माजिद यूसुफी टीवी से। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बखैर आफियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और खुश होंगे। हम सब जानते हैं कि रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन सिचुएशन में, इस कोरोना सिचुएशन में जितना ज्यादा हो सके इसको प्रोडक्टिव बनाए। और उसके लिए हम लोगों ने आज आपके लिए सेशन का जो है वो इंतमाम किया है, इंतमाम नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज किया है। और उसके लिए मुझे मेरे साथ मेरे को ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं और उनका नाम है मोहम्मद आजम खान। थैंक यू वेरी मच अमारा, मुझे सेशन में अपने साथ लाइव दिया और हमारा जिस टॉपिक पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजिकल इफेक्ट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कोरोना की सूरत हाल में, इस पर बात करने के लिए और जो हमारे गेस्ट हैं, जो सीनियर हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनसे सीखने के लिए आपने मुझे साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, और आज हम दोनों के साथ जो हमारे मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे कुछ सवाल पूछेंगे जिससे आप अपनी इस कोरोना सिचुएशन जो है उसको बेहतर तरीके से कोप अप कर सकते हैं, उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर आयशा काशिफ जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा प्रोफेसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, गोइंग गुड। रमजान कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड। और मेरे ख्याल से बहुत अरसे के बाद एक ऐसा रमज़ान आया है जिसमें हम घर से बैठ के रोज़े भी रख रहे हैं और घर में ही हैं, अदरवाइज़ जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको तो इस तरह का रमज़ान नसीब नहीं होता। बिल्कुल, हम इसी बारे में बात करने वाले थे आज़म और मैम ने बात उसी तरह जो है वो मोड़ दी है। हम लोग घर पे हैं, रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमें ज़्यादा टाइम मिल रहा है कि हम अच्छी तरीके से इबादत कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन लोग जो है वो जो पूरी पैंडामिक सिचुएशन है, पूरी जो कोरोना वाली सिचुएशन है, उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं, काफ़ी डिप्रेस हो चुके हैं कि उन्हें मेरी समझ में आ रहा है कि वो किस तरह से बिहेव करें, किस तरह से सिचुएशन से कॉप अप करें। साइकोलॉजिकली जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहूँगी आप? जी थैंक यू अमारा, डेफिनेटली आपने बड़ा वैलिड पॉइंट फेस किया है। नाउअडेज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर फेसिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इशूज। अब ये मेंटल हेल्थ इशूज तो ऑब्वियसली सारी टाइम से चले आ रहे हैं, लेकिन आजकल के दिनों में ये मेंटल हेल्थ इशूज ज़्यादातर रिवॉल्व कर रहे हैं द फियर ऑफ कोरोना वायरस। ऑल्दो डिप्रेशन, एंग्जाइटी पहले ज़माने में भी होता रहा है और अब से कुछ देर पहले तक भी होता रहा है, लेकिन आजकल जो एंग्जाइटी और पैनिक का जो मेजर सोर्स है वो मेजर सोर्स है फियर ऑफ इलनेस, फियर ऑफ कोरोना वायरस, और कि कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए। और इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड से जब कोई स्टेट ऑफ माइंड में रहता है डेफिनेटली, तो वो बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज उसके अंदर जनरेट हो हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक है। और आजकल के दिनों में जो मैं चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ कोरोना वायरस, कि ये दो ऐसे मजीद इलनेसेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो पहले इतने कॉमन नहीं थे आम जनरल पब्लिक में, वो भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। और उन दोनों के अंदर नंबर वन है जी OCD, जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया तो होगा ही होगा कि ये डिसऑर्डर होता क्या है, इसमें आपको बहुत सारे वहम होते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं, आपको लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, बार बार जो पेशेंट होता है वो अपने हाथ धोता है और उसको किसी चीज़ में भी जो है वो कंटेमिनेशन नज़र आ रही होती है। तो अब चूंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रिकॉशंस ही यही है कि हमने बार बार हाथ धोना है, बाहर से वापस आके शावर लेना है, चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, तो ये जो OCD के सिम्टम्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं आजकल। और लोग जिसको कहते हैं कि फनेटिक हो गए हैं अपनी हाइजीन को लेके, कि वो 50-50 दफा सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें वहम हो रहा है कि पता नहीं कहीं हमारे साथ ये जर्म चिपक ना गया हो। सेकेंडली एक और जो बहुत कॉमन इशू आजकल हम लोग नोटिस कर रहे हैं वो फियर ऑफ इलनेस है जी। साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियाक जो पेशेंट होता है या हाइपोकॉन्ड्रियाक जो शख्स होता है उसको कॉन्टिन्यूसली एक इंट्रूसिव थॉट आ रही होती है कि मुझे वो बीमारी लग गई है या लगने वाली है। और डेफिनेटली जब वो
थॉट आपके माइंड में आएगी तो आप उससे और उसे डेफिनेटली जो पेशेंट होता है वो कोई एक कंपल्सिव एक्शन करता है. लाइक फॉर एग्जांपल उसको अगर थॉट आ रही है कि मेरे हाथ गंदे थे और मुझे सोना वाइप लगना गया हो, तो उसको कम करने के लिए जो कंपल्शन वो करेगा वो क्या करेगा, वो बार 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 हाथ धोएगा. और यही चीज है जो हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट आजकल कर रहे हैं. वो कॉन्टिन्यूसली समझ रहे हैं कि हमें कोरोना वायरस हो चुका है या होने वाला है या हम एक्सपोज ना हो जाए. तो ये दो तीन इश्यूज हैं जो दे आर स्प्रेडिंग लाइक कोरोना वायरस रादर मोर देन द एक्चुअल वायरस. सो दीज आर अ फ्यू ऑफ द वेरी मेजर इश्यूज दैट वी आर फेसिंग नाउअडेज. तो ये जो सारी सिचुएशन है जैसे आपने पूरी बात की कि हम लोगों ने एक चीज है उसको खुद के ऊपर हावी कर लिया है कि ये हमें हर हाल में इफेक्ट करेगा ही करेगा और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो कोई तो ऐसा वे होगा कि हम इसको कोप अप कर सकें, हम इससे बाहर निकल सकें, खुद तो समझ सके और अपने आस पास वाले को भी समझा सके और एक पैनिक सिचुएशन जो है बच सके. इसमें एक चीज मैं साथ ऐड करना चाहूंगा मैम आपके आंसर से पहले कि हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ कोरोना जो पेशेंट हैं उनका ग्राफ डेली बढ़ता जा रहा है, वो लाइन स्ट्रेट नहीं हो रही. तो ऐसी सूरत में बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि सबके अंदर ये डर पैदा होगा कि मुझे भी हो सकता है, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी हो सकता है, बहन भाइयों को हो सकता है. तो ऐसी सिचुएशन से कैसे लड़ा जा सकता है? जी थैंक यू वेरी मच आजम, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट किया है. लेकिन चूंकि मैं एक चीज बीच में ऐड करूंगी कि कोरोना वायरस से पहले भी जो रीजन ऑफ डेथ होती थी वो बड़े मल्टीपल किस्म के होते थे. लोग एक्सीडेंट्स में भी डेली मरते हैं, लोग जॉन्डस से या कार्डियक अरेस्ट से भी मरते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम से भी मरते हैं. अब पहले हम लोग ये चीज नहीं सोचते थे कि जो सड़क के ऊपर निकल रहा है वो कहे जी के और लोगों के भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. अगर आपने जिस तरह ये ग्राफ की बात की है तो ग्राफ तो एक्सीडेंट का भी इंक्रीज हो रहा है. जैसे जैसे सड़कों के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आती है हमारे, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होते हैं. लेकिन लोगों ने सड़कों पर निकलना छोड़ा नहीं, लोगों ने स्मोक करना भी छोड़ा नहीं. हालांकि स्मोक करने से जितने कार्डियक अरेस्ट होते हैं या जितने लंग्स के इश्यूज होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज है जो मीडिया ने हमें इतनी ज्यादा एक्सपोज कर दी है, जिसकी वजह से वो जो एक फियर था वो फोबिया बन गया है. फियर एक हद तक नॉर्मलाइज होता है. फियर और फोबिया में बेसिक डिफरेंस ही यही है कि जब फियर एक सर्टन लिमिट में रहता है तो वो फियर होता है, लेकिन जब वो हमारे नर्व पे सवार हो जाता है, एक सर्टन लिमिट से एक्सटेंड कर जाता है, तो वो फिर फोबिया बन जाता है. तो डेफिनेटली हमें फोबिया को मैनेज करने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी डेफिनेटली. और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड डेफिनेटली मेंशन अ फ्यू ऑफ द थिंग. नंबर वन कि ये एक ऐसा टाइम है, ये एक ऐसा क्राइसिस है जो सिर्फ हमारे साथ नहीं है, जो सिर्फ मेरे साथ आपके साथ या पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं है. इट्स अ वर्ल्ड ओवर इशू, इट्स अ वर्ल्ड ओवर पैंडेमिक. तो लोग इस चीज से अपने आप को सबसे पहले रिलैक्स रखें कि दे आर नॉट द ओनली वन सफरिंग ऑल दिस. पर्सनलाइज करना छोड़ दें अपने आप को कि हाय हमारे साथ ये हो रहा है, समथिंग दैट इज हैपनिंग ऑल ओवर. नंबर टू जो मैं चीज बहुत ज्यादा मेंशन करूंगी, बल्कि उससे पहले जो चीज मुझे मेंशन करनी चाहिए थी वो ये है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो दे आर एट हाई रिस्क फॉर दीज मेंटल हेल्थ इश्यूज. नंबर वन, जिन लोगों का एक जेनेटिक मेकअप है ऐसा, और उस जेनेटिक मेकअप की वजह से दे आर मोर वल्नरेबल, वो ज्यादा वल्नरेबल हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज को कैच करने के लिए. उनका जेनेटिक कोड ही ऐसा है, उनके दादा परदादा माँ बाप में ये इशू ऑलरेडी था जिसकी वजह से ये इनके अंदर भी आ गया है. और नंबर टू, इफ यू आर लिविंग इन अ वेरी फियर्ड एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है आप थॉट प्रोसेस में, आपके बिहेवियर में, आपकी फीलिंग्स में. अब वो लोग एक कॉन्टिन्यूस फियरफुल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पे कॉन्टिन्यूसली माँ बाप घर वाले बार बार कोरोना के ही रिलेटेड इश्यूज के ऊपर डिस्कस करे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दोज पीपल आर एट हायर रिस्क फॉर दैट पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ इश्यूज. अब इस सिचुएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें हेल्प आउट करेगी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, दैट इज टू चेंज द थॉट पैटर्न दैट वी आर हैविंग राइट नाउ. हमें अपनी सोच बदलनी है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है. अब आप लोग कहेंगे जी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने
बुरे हालात हैं तो हम पॉजिटिव कैसे रहें। तो यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कंट्रीब्यूट करूंगी कि दुनिया का बड़े से बड़ा डिजास्टर भी हो, अगर आप चाहें तो उसमें से कोई पॉजिटिव चीज आप निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल कोरोना के दिनों में बहुत लोग परेशान है, सारा कुछ है, लेकिन देर आर थाउजेंड ऑफ रीजंस दैट वी शुड थैंक गॉड। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम में से जिन लोगों को नहीं हुआ दे शुड थैंक गॉड। प्लस जो लोगों के स्टूडेंट से टीचर से उन लोगों के काम चल पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी थॉट्स को नंबर वन पॉजिटिव रखें। यू शुड बी हैविंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अल्लाह फॉर व्हाट एवर यू पीपल आर हैविंग राइट नाउ। हमारा एक चीज के साथ लिंक करने दें, देन आप सवाल पूछ लीजिएगा। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, हम देखते हैं कि हमारी रोड्स पे जिस तरह ट्रैफिक बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली जो एक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के और बहुत से दिक्कत मसाइल हैं। लेकिन उसमें मसला ये है कि हमें किसी ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि हम लोग अपने घरों पर बैठे। जब हम पर ये पाबंदी लगा दी गई कि सब ने घर में रहना है और जो कि इसकी वाहि वैक्सीनेशन भी है, तो उसने हमें साइकोलॉजिकली ऐसे इफेक्ट किया कि जैसे हम घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो लॉकडाउन है, आप उसे कैसे देखते हैं, क्या उसने नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाला हमारे मेंटल हेल्थ पे? बिल्कुल डेफिनेटली आजम, इट इज अ वेरी वेरी नेचुरल थिंग कि एक्सेप्टिंग द चेंज इज नॉट ऑलवेज इजी। मतलब हम सारी जिंदगी जो एक रूटीन फॉलो करते आए हैं घरों से बाहर निकल के, मार्केट्स में, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, हम लोग वर्चुअली नहीं जाते थे, डेफिनेटली हम लोग पर्सनली इन जगहों पर जाते थे और ये एक बहुत बड़ा चेंज है एंड एक्सेप्टिंग द चेंज इज नॉट एन ईजी थिंग। लेकिन समटाइम्स चेंज इज गुड एंड चेंज इज गुड फॉर वॉट? चेंज इज गुड फॉर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव नेवर एवर इमेजिन्ड इट कुड हैपन बिफोर। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा नहीं था कि कभी सेमेस्टर ऐसे चल सकता है जैसे आजकल हम लोग पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों के मिड टर्म्स भी आने वाले हैं, वो भी हो जाएंगे, फाइनल भी हो जाएंगे। तो चेंज को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए इंसान को। जैसे यहाँ पे मैं एक मेंशन करूंगी, चंद दिन पहले एक बच्ची की वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई थी जो बाकायदा तौर पे रो रही थी, चीख रही थी अपनी मम्मी के साथ के शी वॉन्ट्स टू ईट मैकडोनल्ड, शी वॉन्ट्स टू ईट नेंडोज, शी वॉन्ट्स टू गो टू KFC, और उसकी माँ कह रही थी कि सब कुछ लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो डेफिनेटली यही हाल सिर्फ बच्चों का नहीं है, बड़े भी बहुत ज्यादा इस चेंज को लेके दे आर समवॉट डिस्टर्ब। लेकिन एक्सेप्टिंग द चेंज सर्टेन टाइम इज वेरी मच नेसेसरी, यूज करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल आइडियल टाइम व्हेन वी कैन हैव अ क्लोज बॉन्डिंग विद आवर फैमिली मेंबर्स। हम इतना लंबा अरसा एक साथ इतना ज्यादा टाइम के लिए इकट्ठे नहीं रहे हैं। एटलीस्ट बींग अ प्रोफेशनल लेडी, मुझे तो लगता है कि जिस तरह ये जिंदगी में पहली दफा ही टाइम आया है कि मैं अपने बच्चों के साथ भी टाइम ज्यादा अच्छे से गुजार रही हूँ, हस्बैंड भी हैं और वी आर हैविंग अ क्लोज फैमिली टाइम। तो वन शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट टाइम। और प्लस आप अपनी रूटीन को डिस्टर्ब मत होने दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सुबह उठ के सर्टन काम करते थे, उन्हीं कामों को थोड़ा सा अगर आपको डिफरेंट वे में करना पड़ रहा है तो फॉलो दैट रूटीन। आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे नाश्ता करना है, खाना खाना है, आपने जो ऑनलाइन काम करने हैं वो करें। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमें इस टाइम ये फियर है कि हम लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हैज टेक्नोलॉजी इज सो मच एडवांस दीज डेज कि मैं अपने घर से बैठ के आपको इंटरव्यू दे रही हूँ और आप लोग सब अपने अपने घरों में हैं। So you can connect with the people, you can connect with your relatives, with your friends, with your parents, whosoever you want to connect. So we need to just change our thinking process right now. अच्छा एक और सवाल है जिंदगी के, जैसे हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और आपने कहा कि अभी हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है और ये वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा और सब तरह ऐसा होता है और बहुत से डिजास्टर्स होते हैं और आप लोग उससे बहुत करते हैं, लेकिन ये वाली जो सिचुएशन है खासतौर पर कोरोना वाली जो सिचुएशन है जिसमें हम बारह पहले पहले के हमें हाथ धो रहे हैं और हाथों पर जर्म्स आए हैं, हमारे घर वाले बाहर से आए हैं तो उनके जर्म्स हैं, जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, जब कोरोना खत्म हो जाएगा,
तो क्या उसके बाद भी हमारे ऊपर ये सब कुछ हावी रहेगा? क्या उस वक्त भी हम लोग ऐसे ही होंगे कि हर किसी चीज को टच करने से डरेंगे और सब कुछ? तो उस वक्त हम इसको कैसे ओवरकम करेंगे? देखिए जी, मैं इस चीज़ को बड़ा एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एवेल्यूएट करती हूँ। हम अपनी टर्म इसको कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कि आप किसी एक ट्रॉमा से गुजरे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वो ट्रॉमा किसी भी किस्म का हो सकता है, इट कुड बी एन एक्सीडेंट, इट कुड बी अ फाइनेंशियल लॉस, इट कुड बी द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, और वो लॉस या वो पर्टिकुलर ट्रॉमा होने के बाद इंसान एकदम नॉर्मल नहीं होता। और यू पीपल रिक्वायर सर्टन टाइम, जिस तरह कहा जाता है टाइम इज बेस्ट हीलर, और वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली हम उस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट को ओवरकम कर लेते हैं। तो डेफिनेटली हमारा, जैसे आपने अभी आइडेंटिफाई किया है कि अगर ये सब कुछ खत्म भी हो जाएगा और हम वापस अपने अपने जॉब पे, अपने स्कूलों में, अपनी रूटीन में वापस आ जाएंगे, तो वो फियर इतनी जल्दी से निकलने वाला नहीं है। इट रिक्वायर्स टाइम टू सेटल डाउन, और वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि नहीं, अब ये वायरस इन तरीकों से नहीं फैल रहा। ठीक हो गया, तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों को कोई प्रोडक्टिव चीज बता सके कि वो किस तरह से अपना टाइम गुजार सकते हैं, और आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं तो कोई सजेशंस लोगों को देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने टाइम को बेहतर बना सके, कोई डाइट, कोई एक्सरसाइज, कोई रीडिंग, कुछ भी आप बताना चाहेंगे? अनम, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। सबसे पहली मेरी सजेशन, जो सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं, इफ इट इज ब्रॉडकास्टिंग नेशन वाइड, तो हमें जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी रिलेटेड विद कोरोना वायरस वो हम पहुंच चुकी है। लाइक फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेनी है, कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या तदाबीर करनी चाहिए जो हमें सेव कर सके। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दोज पर्टिकुलर सोशल मीडिया वेबसाइट्स दैट आर पोस्टिंग द थिंग्स विदाउट एनी वेरिफिकेशन, और वो हमारे ऊपर एक बहुत स्ट्रेसफुल इम्पैक्ट डाल रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आजकल किसी की किसी भी रीजन से डेथ हो जाए, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, किसी को कैंसर था, उसको टैग किया जा रहा है कि वो बंदा कोरोना से मर गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया एंड स्टॉप फॉरवर्डिंग एंड सेंडिंग such posts that are not relevant and which are not authenticated and verified. आजकल दुनिया की हर पोस्ट जो है उसको रिलेट कर रहे हैं कोरोना के साथ। किसी की भी डेथ हो रही है, जी ये कोरोना का पेशेंट है, कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, उसको अस्थमा का अटैक हुआ है, उसको लेबल कर रहे हैं कि इसको वो है, उल्टे सीधे फिगर्स आ रहे हैं कि फलानी जगह पे इतना ज्यादा हो गया है। तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली सर्कल को, अपने सोशल जो मीडिया ग्रुप्स हैं उसके ऊपर प्लीज ऐसी इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करने से इज्तनाब करें। और एज फार एज अनम हैज पॉइंटेड आउट कि हमें क्या आप पॉजिटिव थॉट को रख के ये करना चाहिए, तो हम एंग्जाइटी के, स्ट्रेस के लिए एक एक्सरसाइज डेफिनेटली मैं है, और दैट इज डीप ब्रीथ एक्सरसाइज। तो डीप आप बहुत प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल काफी हद तक नीचे चला जाता है, काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो उसमें यह जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े पार्क में जाएंगे तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकेंगे। यू कैन डू इट एनीवेयर, यू कैन डू इट इन योर बेडरूम, यू कैन डू इट इन योर टीवी लाउंज, यू कैन डू इट इन योर टेरेस, वेयर एवर, और इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। यू कैन जस्ट इनहेल फॉर इनहेल अ डीप ब्रेथ इनसाइड यू, जस्ट कीप इट इनसाइड यू फॉर एज लॉन्ग एज कंफर्टेबली यू कैन, एंड देन एक्सहेल आउट एंड इनहेल एक्सहेल एंड यू विल एक्चुअली फील बेटर। अच्छा, मैं इसी तरह थोड़ा जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि हमारे यहाँ रमजान भी चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं उसके साथ रिलेट करना चाहूँगा अगर आप मुझे सुन रही हैं तो। रमजान हमें सब्र का जो है वो सबक देता है, और इस सारी सिचुएशन में जो सबसे अहम चीज है वो सब्र।
जी, हम आपको सुन सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि रमजान मुझे हमें आपकी सबक आवाज में, नहीं आ रही, आई एम सॉरी आई कांट हियर यू पीपल। आपको मेरी आवाज आ रही? जी आई एम सॉरी आई कांट हियर यू, देयर मस्ट बी सम चेंज इन द। जी मुझे लगता है कि वो हमें सुन नहीं पा रही थी। हम मुझे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आप दोबारा रिकनेक्ट कीजिए, शायद कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। कुछ मसले ये भी हैं जो साइकोलॉजिकली हमें इतना इफेक्ट करते हैं कि बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, खास तौर पे हमारी क्लासेस के दौरान जब सारी क्लास गुजर जाती है और हमें पता चलता है जी सॉरी हमारा इंटरनेट ही कनेक्टेड नहीं था, तो उस वक्त दिल करता है कि जितना डिप्रेशन होने के बाद या फिर आप कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं और उसमें नेट चला गया या वैसे भी चला गया, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा टॉर्चर आजकल ये है कि हमारा नेट चला गया और इसके पास मतलब नेट चला गया तो जिंदगी खत्म है, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, रुक तो जाती है। ये बेसिकली टॉर्चरिंग मोमेंट होता है लाइफ का। हाँ तो इस ये भी हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, सब कुछ जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है और कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो I wish के अगर हम इस टाइम को थोड़ा पॉजिटिवली यूज करते तो एक चीज मैंने सोची थी कि मैं जो टाइम होगा लॉकडाउन का या क्वारंटाइन का इसमें कम से कम सोशल मीडिया यूज करूंगा, मोबाइल फोन से और लैपटॉप से मैक्सिमम दूर रहने की कोशिश करूंगा, बट आई फेल्ड। हम सब कोशिश कर रहे हैं लेकिन आई गेस हम लोगों को बाकी सब करने के बाद, जब लड़कों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लड़कियां काफी प्रोडक्टिव काम कर रही हैं, वो तो कुकिंग भी कर रही हैं और कुकिंग करने के साथ अपने घर के काम शाम भी कर रही हैं, तो मेरे ख्याल इसमें एक पॉइंट लड़कियों को ज्यादा चाहता है कि उनका जो क्वारंटीन है वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया होगा, क्या ख्याल है? यस ये मेरे घर में भी चल रहा है, नई नई डिशेज बना के दी जा रही हैं और साथ हमें एक टॉन्ट भी सुनने को मिलता है कि तुम लोग तो कुछ करते ही नहीं हो, सारा दिन घर पे बैठे रहते हो, सोए रहते हो, तुम लोग काम ही कोई नहीं करने के लिए। सो एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें हम बेचारे कुछ नहीं कर सकते, हम लोग इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग रिपोर्ट्स बना रहे हैं करंट सिचुएशन पे, तो आप लोगों को हमारी एफर्ट्स को भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। तो आप ये भूल रहे हैं कि आपके जो को होस्ट हैं वो भी आपके साथ साथ हैं इस मिशन में भी और कोशिश कर रहे हैं, यूसीपी टीवी की पूरी टीम ये कोशिश कर रही है कि इस सिचुएशन में जो है वो जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो फैला सके, लोगों को मोटिवेट कर सके कि वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जो है वो करते रहें और अच्छे तरीके से अपना जो टाइम है वो गुजार सकें और बाद में उनको रिग्रेट ना हो कि इतना जो फ्री टाइम उन्हें मिला था उसको उन्होंने वेस्ट कर दिया। यस इसको प्रोडक्टिवली यूज़ करना चाहिए, घर पे एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें और खुद को फिट रखें मेंटली फिजिकली, ये बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम लोग वापस आएँ और मिलें तो हम लोग ये बता सकें कि मैंने अपने अंदर ये पॉजिटिव चेंज इस टाइम के दौरान लेकर आया हूँ। और कोरोना के बारे में बात कर ली हम लोगों ने और लॉकडाउन के बारे में बात कर ली, तो आज मदर्स डे भी है, जो मैम आई थी तो हमने उनसे बात की, अनफॉर्चुनेटली उनका शायद इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया है और वो हमें दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग आपस में बात करते हैं। आज मदर्स डे है तो वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं या जो हमें सुन रहे हैं या जो हमें जानते हैं नहीं जानते, पर तमाम लोगों को तमाम औरतों को मदर्स डे जो है वो बहुत बहुत मुबारक, अलग अलग तमाम माओं को जो है वो लंबी उम्र दे और लंबी जिंदगी दे। और लेकिन मेरा एक सवाल है, हमारे यहाँ पंजाबी कल्चर में कहा जाता है कि मावां सांझियां होंदियां ने, तो माएँ सबकी एक जैसी होती हैं, वो किसी की भी माँ हो वो मेरी माँ है और अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे, उनका साया सलामत रखे। लेकिन हमारे यहाँ ना एक ट्रेंड है जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था लाइव आने से पहले, कि हम व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हैं या फेसबुक स्टेटस इंस्टा स्टेटस लग जाता है और वहाँ हम सब हैप्पी मदर्स डे लिख रहे होते हैं, लेकिन हमारे ही कमरे के बाहर हमारी माँ काम कर रही होती है और उन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं होता कि आज उनका दिन मनाया जा रहा है। सो मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग जाएँ, उनकी मदद करें, उन्हें ये फीलिंग करवाएं कि ये दिन उनका है और मुझे लगता है कि साल के सभी दिन उनके होते हैं, माँ के बगैर तो कोई दिन नहीं होता। मतलब आप वो ही हिसाब है कि आप कोई चीज ढूंढ रहे हो और आपको नहीं मिली और आप हर 2 मिनट के बाद अपनी माँ को आवाज देते हो कि नहीं मिल रही और वो आती है और आपको वो चीज वहीं से मिल जाती है, और अगर वो ना हो तो आप बोरिंग में बैठे रहें
तो आपको चीज वो नहीं मिलती, और आप कह रहे हो कि आप उनको जाके उनका हेल्प करें, उनके काम में मदद करें, तो लोग काम में मदद करना तो दूर की बात है, कुछ लोग उनको विश भी नहीं करते हैं। आई गेस मैम ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है, तो चेक करते हैं कि अगर हमें अब सुन सकती है मैम, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, आई कैन हियर यू नाउ, वेलकम बैक। तो हम लोग आज मदर्स डे है, मदर्स डे के हवाले से बात कर रहे थे। सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे टू यू, और उसके बारे में हम बात कर रहे थे। आजम ने एक सवाल रेज किया था कि हम लोग आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो इस तरह से है कि हम सोशल मीडिया पर तो मदर्स डे विश कर देते हैं, फादर्स डे विश कर देते हैं, और खासतौर पर मदर्स डे पर हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि हम एक बार जाए और उनको जाके सामने मदर्स डे विश करें या फिर उनकी हेल्प कर सकें। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? Can you hear me? जी जी, हम आपको सुन रहे हैं। Can you hear me? जी, आप हमें सुन सकते हैं? I guess उनके इंटरनेट का कुछ सीरियस वाला इशू है, तो हम अपनी बात जी, तो ये सब कुछ होता है, मतलब लाइफ की दुनिया में ये सब कुछ चलता है, आपको इसकी आदत डाल देनी चाहिए। तो कभी कभार ये सब कुछ चलता है, लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा मुश्किल सीन ये है, और वो है हम लोगों ने लास्ट रमजान में इफ्तार इकट्ठे किए, और अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले रमजान में हम लोग मिल भी नहीं सकेंगे। तो मुझे लगता है कि रमजान सबसे बेहतरीन चीज होती है आपकी गैदरिंग। तो इस हवाले से भी अगर मैम ने दोबारा ज्वाइन कर लिया तो हम उनसे पूछेंगे कि इसको किस तरह। जी जी, मैं सुन सकती हूँ आपको मैडम। हमारा जी, तो मदर्स डे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो स्टेटस को लगा देते हैं पर कभी जाकर अपनी माँ को विश नहीं करते हैं, और मदद करना तो काफी दूर की बात है? जी बिल्कुल, ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, घरों में माओं का काम कोई नहीं कर रहे होते लेकिन बड़ी लवी डवी पोस्ट उन्होंने लगाई होती है। इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि पूरे साल में कोई एक दिन मदर्स डे नहीं होना चाहिए, बल्कि एवरी सिंगल डे इज अ मदर डे, एवरी सिंगल डे इज अ फादर डे। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग लव, रिस्पेक्ट एंड यू कैन से सो मच इमोशंस, शोइंग सो मच इमोशंस टू योर मदर फॉर जस्ट वन डे, आई वुड जस्ट से कि आप अपनी माओं के साथ एक कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। और आजकल के दिनों के हवाले से मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि इससे अच्छा टाइम आपको कोई नहीं मिलेगा अपनी मदर के साथ गुजारने के लिए। आप लोगों के पास घर से निकलने का कोई आजकल मौका नहीं है, आप लोग कहीं पर जा नहीं रहे हैं, तो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कन्वर्सेशन विद योर मॉम कैन मेक हर फील सो स्पेशल एवरी डे। जरूरी नहीं है कि आप उन्हें कुछ बहुत ब्रांड के कपड़े ला के दें या ज्वेलरी ला के दें तो ही माएँ खुश होती हैं। माँ का दिल अल्लाह ताला ने बहुत और तरह का रखा, वो एक स्माइलिंग फेस के साथ भी बहुत खुश हो जाती है बच्चे के। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस क्वारंटाइन विद योर मदर्स, उनको कोई एक कप चाय का बना के देते हैं आप, उन्हें अपने साथ बैठ के कोई अच्छा प्ले देख सकते हैं टीवी के ऊपर। सो जस्ट ट्राई टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर मदर्स, विद योर फादर्स एज वेल, और मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट टाइम। बिल्कुल, यही मेरा पॉइंट भी था कि प्रैक्टिकली जाके अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी खिदमत करें ताकि उन्हें अच्छा फील हो, और सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकल कर असल दुनिया में उन्हें विश करें, उनका टाइम गुजारें। मैम बस आखिर में मुझे आपसे पूछना है कि यूसीपी टीवी ने एक इनिशिएटिव लिया जिसके तहत हम लोग डिफरेंट सेशन कर रहे हैं और हमारे जो ऑडियंस है उन्हें अवेयर करना चाह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस सेशन को? ये बहुत अच्छा कदम है जी, इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, और आजकल जिस हम लॉन्ग टर्म क्राइसिस में गुजर रहे हैं उसके लिए मीडिया को बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करना है, और पॉजिटिव रोल प्ले करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हों, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हों, सोशल इश्यूज हों, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं उनके ऊपर हम जो मोस्ट कॉमन सोशल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट योर चैनल हैज टेकन द इनिशिएटिव फॉर दैट। बिल्कुल, और हमारी बिल्कुल यही कोशिश रहेगी किस तरह से कोई ना कोई ऐसी बात लोगों तक पहुंचती रहे, और कुछ ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट हम इतना एक छोटा सा पार्ट प्ले कर सकते हैं लोगों के बीच में जो है वो पॉजिटिविटी फैलाने में।
तो एंड में मैं आपको एक फाइनल रिमार्क देना चाहूंगी, कोई मैसेज देना चाहूंगी तमाम देखने वालों और सुनने वालों के लिए। जी बिल्कुल, एक सिंपल सा मैं आप लोगों को एक मैसेज दूंगी कि ये एक ऐसा टाइम है जो थोड़ा क्रूशियल है, इट्स अ क्रिटिकल टाइम, समवॉट अ डिफिकल्ट टाइम दैट वी ऑल आर गोइंग थ्रू, बट यू शुड हैव फेथ ओवर गॉड, यू शुड हैव पॉजिटिव थॉट, और ये कि टाइम ने गुजर ही जाना है। टाइम की सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज़ ही यही होती है कि वो गुजर जाता है। तो अगर वी आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम राइट नाउ तो इट विल पास। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी बातें की आपने। उम्मीद करते हैं कि तमाम लोगों ने इसे बहुत कुछ सीखा होगा और इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी हम आपको रहमत देते रहेंगे कि आप आए और हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहे, अच्छी अच्छी बातें बताते रहे। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा जी, अब यूसीपी टीवी ने इनिशिएटिव लिया था, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारी टीम में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जो हमारे डीन हैं डॉक्टर तैमूर हसन, जिनकी ज़ेर निगरानी ये सब कुछ हो रहा है, यूसीपी टीवी चल रहा है, और उन्होंने इस काबिल बनाया हमें कि हम लोग आप लोगों से बात कर सकें। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आई होप सो हमारा आप भी करेंगी। बिल्कुल, उनका भी करना चाहेंगे और इसके अलावा हमारे जो प्रोडक्शन टीम के सर हेल्प हैं, सर इरफान सर, इरफान सारे, उनकी मोटिवेशन के बगैर हम लोग कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, इवन सर इरफान तो आई थिंक 2 बजे से मुसलसल हमारे साथ कांटेक्ट में है और वो यहाँ मौजूद भी हैं अपनी पर्सनल लाइफ से हट के। मैम रुबाब भी उनके साथ हैं, वो इससे पहले जो हमारी मीटिंग थी उसमें सिखा रहे थे। तो वी रियली थैंक यू पीपल, आप लोगों की वजह से ये हमारे फेसेस नज़र आ रहे हैं इन ऑडियंस को, तो असल तारीफ के और शुक्रिया के हकदार आप लोग हैं। बिल्कुल, तो आज हम आप भी कोई फाइनल मैसेज अगर देना चाहें तो उसके बाद फिर हम अपने सेशन को खत्म। फाइनल मैसेज ये है, जैसे कि अभी लॉकडाउन को जो थोड़ा सा वो नरम कर दिया गया है, अब बाहर निकल सकते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक चीज़ उन्हें याद रखनी है कि यहाँ लॉकडाउन ख़त्म किया गया है इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, सिर्फ इस वजह से नहीं कि कोरोना वायरस का ग्राफ नीचे आ गया। तो हमें पहले से ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, बार बार हाथ धोने हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं लास्ट चीज़ जो ऐड करना चाहूँगा कि हाथ धोते हुए हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी कम से कम इस्तेमाल किया जाए। हम एक बहरान से लड़े हैं, हमें दूसरे बहरान से ना लड़ना पड़े, और इसके साथ इंशाल्लाह ताला जल्द या बदेर ये वक्त ख़त्म हो जाएगा, हम लोग दोबारा मिलेंगे और ज़िंदगी दोबारा उसी एनर्जी के साथ जिएंगे। बिल्कुल, दोबारा मिलेंगे और ज्यादा एनर्जी के साथ और ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ मिलेंगे। और इस पूरे टाइम में रमजान को जहन में रखते हुए बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके आसपास के जो लोग हैं या जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उनको अपनी जो है दुआओं में और उनकी मदद अपनी दुआओं में याद रखिएगा और उनको उनकी मदद करिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि हम इफ्तार कर रहे हों तो कोई और इफ्तार से महरूम रह जाए। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा और इसके अलावा पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को इसके अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खासतौर पर यूसीपी के जो आपके स्थान के जो होस्ट रहते हैं अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। तो खुश रहें, स्टे सेफ एंड स्टे होम, और हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफिज़।